हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल अर्नर। फ्रेंड्स, जमती कि आप जानपारे कि आज आम डिस्कसन करवा के भी एस आमर जो रही केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक अच्छे, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन आमर जो रही तार एग्जाम पैटर्न विषय जो 2022 रे तार एग्जाम पैटर्न कौन सब रही जो आम केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी सब बाहर। ठीक अच्छे, तो तार आम एग्जाम पैटर्न सब जानवा केमी तार सिलेक्शन प्रोसेस रही तार सिलेबस कौन रही कौन के मार्क आसूँ आम से जानवा। ठीक अच्छे, मार्क केते आसूँ कौन देन आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन रस्त मन डाउट थे कि टीजीटी पोस्ट पर जो केवीएस रे टीजीटी पोस्ट पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन दरकार मैंने कौन रही है आमर सब्जेक्ट ओके सब्जेक्ट कौन रही आम टीजीटी पोस्ट पर अप्लाय कर ओके तो ये समस्त मन में डाउट रही तो यहाँ निश्चित भाव क्लीयर करा देन अच्छे से विषय तो आम डिटेल डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे, आज वीडियो रे तो निश्चित भाव वीडियोटी भल लगे गोटे लाइक करने ओके सांग मान सहित तो शेयर करेंगे आ चैनल को नुआ थे चैनल टी सब्सक्राइब करने तेज चलतु देखा कौन सब डिटेल्स रही आमर के भी एस रिगार्डिंग ओके। तो देखो फास्ट अफ अल मुझे जो एग्जाम पैटर्न कथा कह ओके फास्ट रिटिन एग्जाम हुए देन आप इंटरव्यू हुए आपण मैंने जानते हैं कौन ना फास्ट इंटरव्यू हुए रिटिन एग्जाम हम आपर के मार्क यहाँ हुए रिटिन एग्जामा आप 150 मार्क टोटाल होता है ओके आउ इंटरव्यूटा आप 60 मार्क होता है तो फास्ट आप कौन ना रिटिन एग्जामा आप फास्ट हुए तापर किसी पिला सिलेक्ट कर कौन ना इंटरव्यू पाई आउ इंटरव्यू आम टोटल 60 मार्क था जो प्रीवियस मु कथा कह प्रीवियस जो आम एग्जाम होता ताकि बेस करके जो कह इंटरव्यू रे 60 मार्क था टोटल ओके सो आपर इंटरव्यू में रही 60 मार्क आउ रिटिन एग्जाम 150 मार्क तो तेणु आप जो रिटिन एग्जाम जाऊँच तो आप ट्राए करूँ ऑब्वियसली 115 मानने 115 प्लस स्कोर करने ओके कहीं ये गोटे 115 जब अधिक रखुच्च आपे गोटे चान्स रोचे पाइबा ओके चान्स रोचे ता सहित आपद इंटरव्यू किसी टी मार्क कमीगला से आपंकर मैनेज करहब ओके बट आप जब 115 किंवा कम रखुं तेज आप चान्सेस टी कम रोचे ओके तो ऑब्वियसली आप ट्राए करूँ 115 115 अधिका रखापी देन इंटरव्यू आप इंटरव्यूटा को आप कौन मैनेज करें आपंकर गोटे कौन बैलेंस करें जदि आप कमी भी गला कहीं इंटरव्यू कथ तो कहीहबनी किसी ओके आउ आप कौन एलिजिबिलिटी ना सीटेट क्वालिफाई कर दरकार आपंकर ओके आपंकर बीएड डिग्री थी ओके आपंकर गोटे रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी आप बीएड डिग्री क्वालिफाई करेंगे देन आप सीटेट जदि एग्जाम क्वालिफाई करवीएस एलिजिबल हो पारे ओके देन देखु एज डिटेल्स कथा जब कह देखते जो केवीएस वैकेंसी जो बाहर आपंकर पीआरटी पोस्ट जहाँ जोटा को कहुए प्राइमरी रिक्वायरमेंट टीचर ओके से तार एज लिमिट हो 30 इयर ओके यदि आप मैक्सिमम इयर है 30 इयर्स मिनिमम तो आप जानते 18 इयर्स था मिनिमम तो टीजीटी पोस्ट आपंकर मैक्सिमम एज अच्छी 35 इयर ओके ठीक सेमती टीजीटी मैंने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ठीक सेमती पीजीटी पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर तापर थाए 40 इयर ओके मैक्सिमम एज एट मैक्सिमम एजटा ओके देन से जदि फीमेल आपड़े तेज 10 इयर रिलैक्सेशन थाए ओके 10 इयर रिलैक्सेशन माने आप जब फीमेल अच्छा तेज पीआरटी आप 40 इयर्स मैक्सिमम एज जाए पकई पारे ठीक से भाई टीजीटी आपंकर 45 एज जाए पकई पारे। ठीक अच्छे, ए भाया तो आप जब फीमेल आप 10 इयर्स रिलैक्सेशन रोचे ठीक से भाई ओबीसी पिला कथा जब कह 3 इयर रिलैक्सेशन थाए ओके एंड आप एस टी एस सी पिला 5 इयर ओके देखिए आपंकर एज कथा जब मुझे आप प्रीवियस कहीं आप देखो 2022 रे आमर एजाए वैकेंसी आसीना ओके आपंकर वैकेंसी एजाए आसीना आपंकर कौन ना वैकेंसी आसवर चान्स थी आपंकर जे आगु इंस्ट्रक्शन आसाला कि आमर मार्च मसर वैकेंसी आसो। ठीक अच्छे, केवीएस आपंकर ओके केवीएस आपंकर मार्च मसर वैकेंसी आसवर थी बट जेहेतु आप पेंडेमिक सिचुएशन से जो किसी दिन बंद रहा तो आपंकर एप्रोक्सीमेटली नवेम्बर कि डिसेम्बर आड़ को आसपा ओके तेणु टी लेट अच्छे बट आप प्रिपेरेसन निश्चित भाव में जारी रखु तो देखो ये थी आपंकर एज कथा जब कहली देन आउ कौन अच्छी देखो अच्छा देखो पीआरटी आप प्रिपेयर करो आप एग्जाम देवाई जो आप टोटाल 150 मार्क पड़ी थाए ओके पीआरटी आपंकर कौती आपड़े रिटिन एग्जाम दूसरी आप टोटाल के 150 मार्क क्वेश्चन आसो ओके
तो आपंकर रिटन एग्जाम जो देवे फुल मार्क है 150 से आपंकर देखो फास्ट दुईटा जो अच्छे आमर एटा पार्ट वन जाए ओके पार्ट वन जाए आपंकर कौन ना जनरल इंग्लिश आउ जनरल हिंदी ओके दुईटा जाक आपंकर आसो इंग्लिश हिंदी ओके दस दस मार्क इंग्लिश 10 मार्क हिंदी 10 मार्क एटा पार्ट वन बोलिक कहुए सेमती पार्ट टू में आपंकर चार्टा आसे ठीक अच्छे पार्ट टू में ओके एटा पार्ट टू कौन कौन ना कंप्यूटर 10 मार्क आसो आपंकर देन रिजनिंग 10 मार्क जिके आउ करेन्ट अफेयर्स आसो आपंकर 10 मार्क ठीक से भाई पेडागोजी आपंकर 20 मार्क्स आसो एटा कथा गला आपंकर पार्ट टू ओके आउ जो बाकी रहा आपंकर 80 मार्क ठीक अच्छे यहाँ आप सब्जेक्ट मैटर आसो ओके सब्जेक्ट आपंकर साइंस होता साइंस आपंकर कौन आर्ट्स होता आर्ट्स ओके सो से अनुजाई आपंकर टॉपिक अनुजाई आपंकर कौन क्वेश्चन आसता है सब्जेक्ट रे ओके सो आप टोटल 150 मार्क हो इंग्लीश आपंकर पार्ट वन ओके पार्ट वन है इंग्लीश हिंदी देन पार्ट टू में आपंकर रहा कंप्यूटर रिजनिंग जीके करेंट अफेयर्स पेडागोजी देन आपंकर सब्जेक्ट मैटर रहा 80 मार्क आपन जहाँ भी जो सब्जेक्ट पे आपन अप्लाई कर से रिलेटेड आपंकर पड़ो तो डिटेल्स आउ जहाँ भी रही ओके बाकी डिटेल्स देखो यदि आप टीजीटी पोस्ट पे अप्लाई कर तो टीजीटी भी से 150 मार्क्स टोटल ठीक अच्छे टोटल मार्क्स से 150 तो ये भी से भाया ही पैटर्न पूरा देखो आपंकर जनरल इंग्लिश 10 मार्क हिंदी 10 मार्क यहाँ आपंकर पार्ट वन जीव ओके ठीक सेमती कंप्यूटर रिजनिंग जीके करेंट अफेयर्स एक 10 मार्क लेखा आस देन पेडागोजी आपंकर 20 मार्क्स ओके यहाँ आपंकर पार्ट टू में जीव ओके देन सब्जेक्ट मैटर पर आपंकर 80 मार्क रही ओके यहाँ आपको टीजी मैंने मार्क सेम आपंकर देखते पैटर्न भी सेम ही रोच ओके खाली आपन क्वेश्चन लेवलटा टी कौन ना हाई रही है जेहतु आप टीजी पोस्ट पर अप्लाई कर क्वेश्चन लेवलटा टी हाई रही है ओके आउ किसी नुह ठीक सेमती जब मुझे पीजी कथा कह देखो पीजी 150 मार्क फुल मार्कटा रही तो जनरल इंग्लिश 10 मार्क हिंदी 10 मार्क यहाँ से भाई आपंकर पार्ट वन रोज एंड कंप्यूटर रिजनिंग जीके जनरल अवेयरनेस पेडागोजी ये सब आपंकर पार्ट टू ओके एंड सब्जेक्ट मैटर आपंकर 80 मार्क आसे सब्जेक्ट मैटर ओके सो ये आपको डिटेल्स आपथर के मार्क आसूस जदि बाकी डिटेल्स कथा कह कौ कौ चैप्टर सब रही तो से सब आपंकर वैकेंसी आसला जना पड़ो कौन रोच तार सब्जेक्ट मैटर ओके कहीं वैकेंसी न आसवा जाए कौन न्यू रूल अनुसार कौ सब आप क्राइटेरिया रोचे से देख सारापर ही जना पड़ो बट आप निश्चित भाव प्रिपेयर जारी रखु कहीं देखते आप जेकोसी एग्जाम दे आपंकर ये जो ऊपर रही देखो टीचिंग एग्जाम दौरान तेज आप कंप्यूटर रिजनिंग जीके पेडागोजी यू निश्चित भाव रोचे ओके तेणु आप इंग्लीश देन आउ किसी रही देखो एक्स्ट्रा पॉइंट जदि कथा किसी कह देखु रूल्स तो टीजीटी समस्त थी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन ओके जो सब पिला पकई पारे कि देखो जो पिला माने आपंकर ग्रेजुएशन रे ठीक अच्छे केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी पढ़ी से माने आपंकर ए टीजीटी पोस्ट पे अप्लाई करि पारे ओके टीजीटी पोस्ट कथा मुझे कहूँ टीजीटी पोस्ट पे आपंकर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी माने मोर धर फिजिक्स ऑनर्स ओके फिजिक्स ऑनर्स माने मु कौन प्लस थ्री फिजिक्स पढ़ी बट फिजिक्स माने मु पीसीएम रे अप्लाई करके पाई ना तेणु मुझे जूलॉजी आ बॉटनी टोटल पढ़ी ना थ्री इयर धरिकी ओके टोटल पढ़ी तो मोर फिजिक्स अनर्स मुझ अलग मैथमेटिक्स पढ़ी केमिस्ट्री पढ़ी बट बॉटनी जूलॉजी पढ़ी ना तेणु मुझ टीजीटी पोस्ट पे एलिजिबल नुह अटी ओके केवीएस रे मुझ कौन ना टीजीटी पोस्ट पे एलिजिबल नुह कहीं मोर बॉटनी और जूलॉजी ना तेणु मुझ टीजीटी पोस्ट पे एलिजिबल नुह बट अलग पीआरटी एलिजिबल हो पारि ओके सो से न्यू जो आपंकर आसो क्राइटेरिया कौन सब रोचे आपंकर कौन रूल्स सब रूल्स रेगुलेशन से न्यू वैकेंसी आसला ही आम जापर जो डिटेल्स से विषय में कौन रही पीआरटी कौन रही टीआरटी कौन रही ओके सो आउ गोटे कथा आपको जो एग्जामिनेशन हो सब तो आपंकर कौन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आसो सब वन मार्क क्वेश्चन जोटा राइट आंसर आप टिक करेंगे ओके घर भितर जहाँ भी रही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रही आउ नेगेटिव मार्क ना ओके देखो प्रीवियस अनुसार जदि आप आसे माने प्रीवियसली जो एग्जाम होता आपंकर नेगेटिव मार्क टोटल ना ठीक कले आप एक मार्क पाइले आ भूल कले किसी भी मार्क कटो ना ओके देन आप देखते टोटल टाइम आपको 2.5 आवर्स माने 150 मिनिट मिल टोटल माने 150 मिनिट्रे आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करार अच्छे ओके सो यही आपंकर डिटेल्स कौन टोटल टाइम तो यही सब रही आपंकर समस्त यही डाउट था टीजीटी पोस्ट पे मुझे आप डिटेल्स इनफर्मेसन दे पारे ओके
सो फ्रेंड्स यही थी आम डिटेल्स रिगार्डिंग आपणकर केवीएस बा केवीएस 2022। ओके आउ वैकेंसी कथा मुझे जमीक कहली वैकेंसी आपणकर एप्रोक्सीमेटली आसवापी टी लेट हे नवेम्बर टू डिसेम्बर हो जाए। ओके सो प्रिपेरेशन आप जारी रखु जदि किसी भी आपन को मन में डाउट थाए निश्चित भाव में आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जनातु। तो वीडियोटी भल लगे गोटे लाइक करने सांग सहित सेयार करेंगे और चैनल को नुआ थे चैनल टी सब्सक्राइब करने। तेज आज वीडियो ये रखुची नमस्कार।